हजरत शाह मोहम्मद इसहाक मियां रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के तीसरे दिन जुमेरात को फज्र के बाद कुरान खानी हुई और बाद नमाज मगरिब खास कुल शरीफ हुआ, जिसमें नात ख्वां हजरात ने अपने कलाम पेश किए, जिसमें चांद नईमी, हमजा इसहाकी, हसन इसहारी, सूफियान, यूनुस कदीरी, अहमद मियां उस्मानी, असद अशरफी, कासिम कुद्दूसी, हाजी अतीक साबरी ने अपने कलाम पेश किए। मुफ्ती मुस्तजाब हुसैन कदीरी साहब ने हजरत इसहाक मियां की जिंदगी पर रोशनी डाली और तकरीर की। बाद में मुफ्ती अयूब साहब नईमी ने दुआ कराई, जिसमें मुल्क में अमनो अमान और खुशहाली के लिए दुआ की गई। हजरत इसहाक मियां की सज्जादा नशीन हाजी मोहम्मद इकबाल इसहाकी ने बताया कि आज सुबह से ही दरगाह पर अकीदतमंदों का तांता लगा रहा और सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। दिन भर नजरों न्याज का सिलसिला चलता रहता है और सज्जादा नशीन इकबाल इसहाक ने बताया कि सभी दरगाहों के सज्जादा नशीन भी तशरीफ लाए, जिसमें इश्तियाक हुसैन शिबली मियां, हाफिज इफ्तखार साहब, गुल्लू मियां, नईम चिश्ती, अमीर हुसैन के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आपके पास क्या पद है यहाँ पर, मतलब कमेटी में? सेक्रेटरी हैं और हम जो है सब इनके औलादों में। लगभग कितने सालों से ये कमेटी? तो आज यहाँ पर क्या हो रहा है? आज यहाँ उसका तीसरा दिन है, आखिरी दिन जो कुल शरीफ का प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पर चल रहा है मगरिब और रात भर बैठे हैं। प्रोग्राम रहेगा ईसा की लंगर, जिसमें काफी मतलब है सुबह से ही तांता लगा रहा और नगरों न्यास का सिलसिला चल रहा है। और ये दरगाह इसहाक मियां का ऐसा है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपने लिए पूरी करने के लिए दुआ मांगते हैं। कुल मिला के मन्नतें पूरी हो जाती हैं लोगों की, जो लोगों का अकीदा है तो मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आज कौन से हजरात यहाँ तशरीफ लाएंगे? यहाँ पे मुफ्ती खान साहब नहीं भी साहब आए, जिन्होंने दुआ कराई है कुल में, और सभी दरगाहों के सज्जादगान भी तशरीफ फरमा है। के बाहर के मुराद के बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं? हाँ, जो हजरत के मुरीदीन हैं, मुखलिसीन हैं, मुहिबीन हैं, वो सभी लोग गांव से देहातों से तशरीफ लाए, दिन में यहाँ पे कयाम करा, दो दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं। सभी ज़्यादातर तादाद में आए और जो गुरु दीन से फैदान हासिल कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब आपका कहने का मतलब मुराद के आस पास गाँवों से भी हजरत तशरीफ लाए हैं? क्योंकि हजरत के ज़्यादातर गाँवों से भी वो रहा है, तो जैसे काजीपुरा, ढक्का और हकीमपुर वगैरह यहाँ पर काफ़ी आम दौर आना जाना था, तो सभी मतलब वहाँ से निस्बती लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।